हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। एंड दोस्तों, आफ्टर लॉन्ग टाइम यूपीएससी ने इंटरव्यू डेट्स अनाउंस किया है। सीएपीएफ 2017 एग्ज़ाम जिन्होंने अटेम्प्ट किया है उनके लिए ये इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। एंड दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 7 मई 2018, अंडरस्टूड। जिन्होंने पीईटी और एमईटी क्लियर कर लिया है, सो दोज गाइज आर एलिजिबल फॉर दिस पर्सनैलिटी टेस्ट, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सी द सेकेंड पॉइंट, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग टू रिसेंट आइडेंटिकल फोटोग्राफ्स एंड ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। देखो, इंटरव्यू में आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ते हैं। टू आइडेंटिकल फोटोग्राफ्स चाहिए, आपके फोटोग्राफ चाहिए, ठीक है, रिसेंट वाला चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको ये ध्यान में रखना है, अगर आप लास्ट सेमिस्टर, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपके पास मेन डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, तब आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दे विल नॉट अलाउ प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स अलाउ नहीं करेंगे। सो यू मस्ट मस्ट एंड शुड हैव दिस ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट। अगर आपके पास ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप लेटर एक लिख सकते हो, ठीक है, तो उसका एक अलग से प्रेशर रहेगा। आप लेटर लिख के आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको डेट्स मेंशन करना पड़ेगा कि ये डेट तक मैं आपको वह सबमिट करूँगा। तो ये सब भी है, वो अलग से प्रेशर रहेगा। तो आपको वो सब के लिए हेल्पलाइन नंबर्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जिन्होंने क्लियर किया है उनके रोल नंबर यहाँ पे रहेंगे, डेट स्लॉट्स यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं आपको थोड़ी टिप्स देना चाहता हूँ, जैसा कि समझ लो अभी आप एग्ज़ाम में, तो ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए और आपको कैसा वहाँ पे बिहेव करना चाहिए, आपका आई कांटेक्ट, आपका पोस्चर और गेस्चर सब कुछ कैसा रहना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है बेस्ट इंप्रेशन रहेगा, तो ड्रेस कोड वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रेस कोड में देखो, शर्ट एक कोई लाइट कलर पहन के जाओ, या आपका मर्जी शर्ट, ठीक है, उसके ऊपर सूट या कुछ टाई पहन के जाओ, वो ऑप्शनल है, ठीक है, वो ऑप्शनल है, टाई या सूट वो सब ऑप्शनल है। लेकिन हम जब आप बेल्ट और ट्राउज़र कुछ पहन के जाओगे, पैंट पहन के जाओगे, ट्राउज़र और पैंट और ये आपका शू पहन के जाओगे, तीनों एक ही कलर का होना चाहिए। ब्लैक पहन के जा रहे हो तो पैंट आपका ब्लैक और आपका बेल्ट ब्लैक होना चाहिए और आपका शू भी ब्लैक होना चाहिए, ठीक है, तो ये आप ध्यान पर रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स है, जो हिंदी मीडियम जिन्होंने क्लियर किया है, देखो ये एग्ज़ाम में मैक्सिमम 85%, 80-85% मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम ही होता है, ठीक, इंग्लिश मीडियम मतलब इंग्लिश मीडियम क्लियर करता है पेपर। तो आप लोग को भी थोड़ा इंग्लिश थोड़ा सीखना पड़ेगा, मिरर के आगे रह के थोड़ा इंग्लिश बातें करो, एटलीस्ट आपका जो DAF है, GAF में आपने जो फिल किया है उसके बारे में इंग्लिश में बातें करने ट्राई करो, ठीक है, क्योंकि समझ लो आपके सामने अगर साउथ इंडियन बोर्ड खड़ा हुआ है या साउथ इंडियन बोर्ड आपके सामने बैठा हुआ है, ठीक है, तो आपको कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आता है, समझ लो हिंदी आ गया तो वेल एंड गुड, अगर हिंदी नहीं आता है तो आप कन्विंस नहीं कर पाओगे, तो ऑटोमेटिकली आपका मार्क्स जो है कम हो जाएगा, ठीक है। सो आपको मिनिमम आपको इंग्लिश आना चाहिए, ओके, क्योंकि आप एक गेजेटिव पोस्ट में जा रहे हो, तो मिनिमम आपको इंग्लिश आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे सोर्स आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं, हिंदी में ही दे सकते हो या हिंदी, तो आप कंपलसरी आपको इंग्लिश आना चाहिए, ठीक है। अगर आपके सामने हिंदी वाला बोर्ड खड़ा हुआ है तो नो प्रॉब्लम, इवन दे एंकरेज, वो एंकरेज करते हैं कि इंग्लिश में बातें करने के लिए, तो डेफिनेटली आपको मिनिमम एक 50% को इंग्लिश आना ही चाहिए, अंडरस्टूड। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, जिन्होंने क्लियर किया है, हम इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज़ फ्रॉम 16 अप्रैल टू 4 मई, ठीक है, ये आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन रहेगा, आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन। जिनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए, लोग अभी avksacademy.in वेबसाइट में जा सकते हो, और ईमेल आईडी info@avksacademy.in, info लगा दो यहाँ पे, @avksacademy.in यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मेंटरिंग कमांडेंट BSF जो अभी रिटायर्ड है, नेक्स्ट डिप्यूटी कमांडेंट CSF से आएंगे, उसके बाद DSP तेलंगाना पुलिस जो इन सर्विस में है, विकास जी सर आएंगे आपके इंटरव्यूज, और आपके 3 इंटरव्यूज यहाँ पे होंगे। डेफिनेटली अगर आप इंटरव्यू अटेंड करोगे तो 100+ स्कोर आराम से कर सकते हो, ठीक है। और हमारा मेन फोकस रहेगा आपका DAF फॉर्म, जो DAF फॉर्म है
आपका 25 मिनट्स में 50 मिनट्स तक आपका डीए फॉर्म ही होता है, मतलब 70% आपके डीएफ अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट 30% जो होता है आपके सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो हम आपको ट्रेन करेंगे सिचुएशन बोज जो सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, तो आप कैसा आपको टैकल करना है। सो अंडरस्टूड, तो ये सब है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस हियर। अगर कोई गाइडेंस भी चाहिए, आपको जॉइन नहीं करना है, कोई गाइडेंस चाहिए, तो यू कैन यू फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। ओके, एंड थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।